सब कुछ है माता जी के। मैं महिपाल सिंह मकाना, श्री राजपूत गणेश नगर राष्ट्रीय अध्यक्ष। बार बार बीच में फोन आ रहे हैं, इसलिए कट रहा लाइव। मैं आपके गुजरात के हर एक क्षत्रिय बंधु को, गुजरात के हर एक क्षत्राणियों को कोटि कोटि वंदन करता हूँ, धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सब लोगों ने जो पूरे देश के आज मान सम्मान को बचाया है, एक ज्वाला को आपने जो पैदा किया, एक नई अग्नि को आपने जो प्रज्वलित किया है, पूरे देश में जाएगी, मैं आपका भाई इस चीज़ का वचन देता हूँ। अभी गुजरात से हम लोग राजस्थान पहुँच गए हैं, कल मैं यूपी में रहूँगा, बड़े राजपूत समाज का एक सम्मेलन है इसी बात को लेकर। और इसी तरह राजस्थान के हर एक लोकसभा सीट पर, एमपी की हर एक लोकसभा सीट पर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हर एक लोकसभा सीट पर हम लोग जाएंगे। और ये नारी अस्मिता की जो लड़ाई है, मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, सभी जो मेरे मित्र जो मुझे देख रहे हैं, इस मैसेज को पूरे देश में जाए, हर एक व्यक्ति सुने कि हम लोग कहाँ कैसे लड़ रहे हैं। कल गुजरात में आपने देखा 7-8 लाख 10 लाख लोग वहां नारी अस्मिता के लिए, नारी सम्मान के लिए खड़े थे। और मैं हर एक व्यक्ति से बोलना चाह रहा हूँ, हर एक घर में नारी है, हर एक घर में महिला है, उसका सम्मान अगर खंडित होगा तो बकायदा जवाब दिया जाएगा। गुजरात की वो धरती है जहां से महाभारत की शुरुआत हुई थी। जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, एक बार इसको आगे फॉरवर्ड कर दे, जो हर एक व्यक्ति तक ये बात पहुंच सके। कल इतना बड़ा जनसैलाब आया, हर एक जो मुझे सुन रहे हैं, शायद ज्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे काम को आपको पसंद करना पड़ेगा। मेरा काम जो है वो राजपूत को जगाना है। महिपाल सिंह कोई नाम नहीं है, महिपाल सिंह कोई व्यक्ति नहीं है, चेहरा नहीं है, समाज रहना चाहिए, आपका मान सम्मान रहना चाहिए। कई सारे लोग बोलते हैं बीजेपी के खिलाफ कर रहे हो, राष्ट्रवादी पार्टी के खिलाफ कर रहे हो। जब मेरी बहन बेटी की इज्जत नहीं रहेगी, मेरा स्वाभिमान नहीं रहेगा, तो फिर पार्टियों का क्या अचार डालूंगा, क्या करूंगा इन पार्टियों का, जिन पार्टियों का हमने खड़ा किया। आज तक तो हम लोग इनके खिलाफ नहीं खड़े हुए, क्यों खड़ा होना पड़ा। नारी अस्मिता में तो महाभारत का युद्ध हुआ था और उसकी शुरुआत भी गुजरात से हुई थी। मैं सबको बोलना चाह रहा हूं जो मुझे सुन रहे हैं, अभी हम लोग गुजरात से निकले हैं, जयपुर राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, जयपुर की तरफ। और जहां जहां लोकसभा क्षेत्र आएगा वहां हर जगह हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जा रहे हैं और हर जगह शपथ दिलाएंगे। कल हम लोग यूपी में रहेंगे, पश्चिमी यूपी की बड़ी एक सभा, आम सभा खेड़ा में है, यूपी के खेड़ा में। जो मुझे यूपी के लोग सुन रहे हैं, मैं आ रहा हूं वहां पर, और बड़ा जनसैलाब रहेगा। और नारी अस्मिता की बात करी जाएगी, मान सम्मान की बात करी जाएगी, राजपूत के स्वाभिमान की बात करी जाएगी। हम उनमें से नहीं है जो बिक जाए। खूब सारे लोग है बोलते हैं चुनाव हो गए, आ गए मैदान में। अरे आज से पहले भी 3 बार चुनाव में गणेश ने बनी, तब से आज तक चुनाव में भागीदारी किया क्या, कभी आपने देखा, कभी हमने कोई बड़ी मीटिंग करी है चुनाव से पहले? पर जब हमारे बहन बेटी की बात आएगी, चाहे चुनाव हो चाहे नहीं हो, जो कुछ भी हो, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। किन्हीं को लगता है कि हम लोगों को रोक ले, माई के लाल को, लाल ने किसी में दम नहीं है ऐसा जो हमें रोक ले। माँ भगवती कृपा है और हमेशा उन क्षत्राणियों का आशीर्वाद है जिन्होंने जौहर किए, सर कटाए आपके स्वाभिमान के लिए, आपके सम्मान के लिए, आपकी जाति के, अब इस देश के अभिमान के लिए। कल का एक बड़ा जनसैलाब पूरे देश में मैसेज देके गया है कि जिन लोगों ने कभी विरोध नहीं किया, जहां से बीजेपी उठी, जहां से मोदी जी आए, वहां उस राजकोट में लाखों की संख्या में लोग थे, लाखों की संख्या में लोग थे, 8-10 लाख लोग स्वतः स्फूर्त, मैं ये नहीं बोल रहा महिपाल सिंह के कारण से आए या किसी के आह्वान पे आए, खुद आए। कितने दिन से वो लोग पूरा देश जानता, कितने दिन से वो लोग सड़कों पे, महिलाओं को बर्बर तरीके से गिरफ्तार किया जा रहा था। मेरी खुद की गिरफ्तारी हुई, कल पूरी गुजरात की पुलिस मेरे पीछे लगी हुई थी, जैसे कोई टेररिस्ट अटैक होने वाला हो। आपके महिला सम्मान के लिए बात अगर कोई करता हो, अपनी बहन बेटी के लिए बात करता हो, इस तरह बर्बरतापूर्ण आप लोग उसका विरोध करोगे, आप लोग उसको रोकने की कोशिश करोगे? जो भी मुझे भाई लोग देख रहे हैं, मैं उनको बोलना चाह रहा हूँ, भाई प्लीज, ये फ्री का शेयर है, ये शेयर बटन दबाओ और जाने दो इस मैसेज को। मैं कल यूपी आ रहा हूँ, आज राजस्थान में रहूंगा, 3-4 लोकसभा सीटों पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और एमपी में भी जाऊंगा, जहां जहां हो सकता मैं जाऊंगा। मेरी जहां तक दौड़ है, मैं वो दौड़ लगाऊंगा जो जहां पर है। जो भी कार्यकर्ता मुझे सुन रहे हैं, जो राजपूत युवा मुझे सुन रहे हैं,
मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ, मेरा करणी सेना का कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जो भी मुझे सुन रहा है, हर जगह अपनी लोकसभा में जाके अपने लोकसभा का जो उम्मीदवार है उसके पूछिए कि क्या आप रूपाला के बयान से कहीं ना कहीं उसको समर्थन करते हैं, और समर्थन नहीं करें तो विरोध दर्ज कराएं, नहीं तो उनके खिलाफ आप लोग बकायदा वहां शपथ लीजिए कि हम लोग शपथ लेते हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी को इन लोकसभा चुनाव में न कोई प्रोग्राम में सपोर्ट करेंगे, न कोई प्रोग्राम में जाएंगे, और न ही उनको अब की बार वोट देंगे। बाइकॉट रूपाला, बाइकॉट बीजेपी, कमल का फूल हमारी भूल, ये मैसेज हर जगह दीजिए, ये बकायदा हर जगह शपथ लीजिए। कल 8-10 लाख लोगों ने शपथ ली एक साथ। 8-10 लाख लोग तो पागल नहीं हो सकते, या मेरे बहकावे में नहीं आ सकते, या मैंने बहका नहीं। मैं सबसे कोई बोलना चाह रहा हूं, मेरे भाइयों प्लीज फोन मत करो, बार बार लाइव कट रहा है। आप सब लोगों को केवल इतना सा, आपका भाई महिपाल सिंह मकड़ा, पूरी टीम राजपूत समाज का, मेरे जैसे हजारों लाखों युवा सड़कों पर है, आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, महिला सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जिन महिलाओं ने आपके सम्मान के लिए जोहर कर लिया, आपके सम्मान के लिए सर कटा लिए, अरे जिन महिलाओं की कोख से श्री राम भगवान, श्री कृष्ण, महावीर स्वामी, भगवान बुद्ध, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, उन लोगों ने जन्म लिया, उस कोख को तो मत ले जाओ, उस दूध को मत ले जाओ। हो सकता है वक्त बदल गया हो, पर अपने आप को पहचानो क्षत्रिय समाज के मेरे बंधुओं, मेरे जाति बिरादरी का हर व्यक्ति, उनसे जुड़ा हुआ हर व्यक्ति, और जिस घर में महिला है उस समाज का हर व्यक्ति बकायदा मेरा समर्थन करे कि जब बात मान सम्मान की आएगी, महिला सम्मान की आएगी, किसी भी समाज की महिला के लिए आप गलत नहीं बोल सकते। जो 350 लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हो ना, तो ये शेयर का बटन दबाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपकी बात का, आपकी भाई की बात आगे जाएगी। मुझे मालूम है ज्यादातर लोग पसंद नहीं करते महिपाल सिंह मकड़ा को, पर मेरा थोबड़ा मत देखो, मेरे विचारों को देखो, मैं अगर सही बोल रहा हूं तो आगे इसको शेयर करो। अगर आपको लगता मैं सही कर रहा हूं, आज तक महिपाल सिंह मकड़ा पे कोई अंगुली नहीं उठा सकता, एक रुपए का दाग नहीं है, कभी बिके नहीं है, खड़े रहे स्वाभिमान के लिए, जीवन हर दिन कठिनाइयों से बीत रहा है, संघर्ष से बीत रहा है, पर झुके नहीं है, हर दिन प्रलोभन आते हैं, पर कहीं जाके बेचा नहीं है समाज को। पर आप लोगों को चकाचौंध चाहिए, आप लोगों को बिना बात के फटकारे चाहिए, वो मेरे पास नहीं है भाई, मेरे पास तो सीधी बात है, क्षत्रिय समाज की बात है और सच्ची बात है। बात मान मर्यादा पे आएगी तो महिपाल सिंह लड़ेगा। मेरे पास कोई लाखों की फौज नहीं है, 3 आदमी गए थे राजस्थान से, 2 गाड़ियां एमपी से हो गई, 2-3 गाड़ियां फिर आगे जुड़ गई, जुड़ता जुड़ता काफिला बन गया, हम तो अकेले चले थे, लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। महिपाल सिंह बड़ी बात नहीं है, एक बड़ा जनसैलाब तब खड़ा होता है जब आपकी बात में दम होता है। अभी तक 334 ही है, मुझे लगता है कि आपको ज्यादा पसंद नहीं आ रहा है मेरा मामला, पर मैं तो यही बोलना चाह रहा हूं, जो आग गुजरात से चालू हुई है पूरे देश में आप लोग फैलाने की हिम्मत रखते हैं, हर एक चीज आजकल फेसबुक लोग कम देखते हैं, इंस्टा ज्यादा देखते हैं, मेरे पास इंस्टाग्राम का 3-4 लाख लोगों का फॉलोअर का एक अकाउंट था, अभी सरकार ने इसको सस्पेंड करवा दिया, हो सकता है फेसबुक भी सस्पेंड करवा दे, फेसबुक रोक ली गई है, जा नहीं रही है, इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आप लोग इसको आगे भेजे। आपके शेयर बटन को फेसबुक नहीं रोक पाएगा, सरकार नहीं रोक पाएगी। जो भी लोग लिख रहे हैं हम आपके साथ हैं, वोट की चोट, जय भवानी, जय राजपूताना, मैं बोल रहा हूं इसको शेयर करें, आगे भेजें कि महिपाल सिंह कल यूपी रहेगा, आज पूरे राजस्थान में रहेगा, क्षत्रिय समाज की अस्मिता की बात करेगा, महिला सम्मान की बात करेगा। आप सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा इस मैसेज को भेजें, गुजरात के हर एक क्षत्रिय बंधुओं को बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, पर इस आग को बुझने मत देना, हम लोग आ रहे हैं अहमदाबाद। जो बड़ा एक मैसेज मैं देना चाह रहा हूं आज लाइव के माध्यम से, 18-19 तारीख को 20 तारीख को हम लोग अहमदाबाद आ रहे हैं, हम लोग अहमदाबाद की धरती पे होंगे लाखों की संख्या में, 8-10 लाख अगर राजकोट हो सकते हैं तो अहमदाबाद में जो 10 लाख की स्ट्रेंथ का जो जीएमडीसी ग्राउंड है उसको दुगने लोगों से भर देंगे। अब सब लोगों से विनती है, या तो मेरा फोन खराब है, या जो लोग मैं बार बार बोल रहा हूं वो कुछ कर नहीं रहे, फोन खराब है, 334 से ऊपर नहीं बढ़ रहे व्यूवर्स, मुझे मालूम नहीं ये हुआ क्या है,
पर जो भी है, फेसबुक व्हाट्सएप रोकने से कुछ नहीं होगा, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे मालूम है मेरे जो भाई मुझसे जुड़े हुए, जब महिपाल सिंह की एक आह्वान पर लाखों लोग इकट्ठे हो सकते, तो मुझे मालूम है कि ये फेसबुक क्या रोकेगा, क्या मुझे सोशल मीडिया रोकेगा, मेरे इंस्टाग्राम को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा, मेरे फेसबुक को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होगा। आप सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको आगे करें, फॉरवर्ड करें। मैं कल यूपी रहूंगा, जल्दी अहमदाबाद की धरती पे हम लोग रहेंगे, और जीएमडीसी ग्राउंड की अगर परमिशन नहीं मिली तो हम लोग हमारे खुद के, जैसे कि अभी हम लोगों ने राजकोट में खुद के एक राजपूत समाज के व्यक्ति ने खुद के खेत में खड़ी फसल को हटाकर इन लोगों के प्रोग्राम की व्यवस्था करी, वैसी एक व्यवस्था वहां भी खड़ी करेंगे। आप सब लोग अहमदाबाद के लिए आप लोग तैयार रहें, राजस्थान में हम बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, कल यूपी में आ रहा हूं वहां बड़ा प्रोग्राम है, और एमपी में भी बड़ा प्रोग्राम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप सब लोगों से ज्यादा निवेदन, इस मैसेज को आगे करें, फॉरवर्ड करें, और सब लोगों तक जा सके, हर व्यक्ति देख सके कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों के क्या आगे प्रोग्राम है, क्योंकि हम इस कमल का फूल हमारी भूल पे एक दिन में नहीं आए हैं, हर दिन पर तड़के जा रहे हैं राजपूत समाज को। कितनी टिकट काटी आप लोगों की, इतिहास के साथ कितनी छेड़खानी की गई, विकृतिकरण किया गया, विकृत किया गया, आपके राजा महाराजों को क्या बना दिया गया, ईडब्ल्यूएस के आरक्षण में सरलीकरण किया गया, बताओ मुझे आप, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण था, हम चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे केंद्र में सरलीकरण कर दो, कई सारी और जातियों को मिलेगा, किया गया नहीं किया? अब आपकी महिलाओं को गाली दी जा रही है फिर भी आप खड़े नहीं होंगे, अपने खून में अपना खून इतना ठंडा नहीं हुआ है, इतना ठंडा नहीं है राजपूत का खून, क्या अब महिला सम्मान पे भी बात नहीं करें? महाभारत की शुरुआत भी गुजरात की पावन धरा से हुई थी, और महिला अस्मिता के लिए लड़ा गया था महाभारत, और ये भी जो ये युद्ध है ये भी महिला अस्मिता के उसके लिए लड़ा जा रहा है। आप सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में राजस्थान में खड़े हो, यूपी में कल पहुंचे, एमपी में हम लोग आएंगे, और गुजरात की धरती पर जीएमडीसी ग्राउंड हो और चाहे दूसरा ग्राउंड हो, हम लोग गुजरात में अहमदाबाद में आने को तैयार है जल्द ही। सबको जय माता जी की, तैयार रहे, जय हिंद जय भारत। भाजपा का बहिष्कार करेंगे, मंजूर है कि नहीं है? मंजूर है कि नहीं है? मन से बोला है कि नहीं? भगवती की कसम,